हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम हैं मालवनी मलाड वेस्ट के इलाके में। यहां पे गेट नंबर 5 में समाजवादी पार्टी के ऑफिस की ओपनिंग की गई। ये ऑफिस बबलू बाटा नाम के सोशल वर्कर का है, जो कि इस वक्त बीएमसी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू असीम आजमी भी यहाँ पे आए। उन्होंने भी कुछ बातें की कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी हो सकती है अगर समाजवादी पार्टी आती है तो। बाकी हम देखते हैं वीडियो में कि क्या क्या बातें की गई और बबलू बाटा का क्या कहना है। उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन किया उन्होंने और कई पार्टियों को उन्होंने छोड़ा भी है। उसकी क्या वजह रही वो भी हम उनसे जानते हैं। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666-47-1110। धन्यवाद। चुनाव मालोनी की जनता जिसको चुनकर देती है और मंत्री पद पर बैठता है और फिर वंचित है, तो ये जनता को तो हिसाब लेना चाहिए। जब जनता हिसाब देती है तो जनता को हिसाब लेने का पूरा हक है कि आज जो 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 सरकार में बैठे हैं, मंत्री पद पे हैं और यहाँ वंचित लफ्ज अगर जूम है तो मुझे अफसोस होगा। जनता को इसका हिसाब उन लोगों से लेना चाहिए जिनको चुन के दिया है, और हम यकीन दिलाते हैं। आइए हमारा काम देखिए, हमारे पास 2 MLA हैं, हमारे पास 6 नगर सेवक हैं। आप आकर देख रहे हैं मदनपुरा में कितना काम हुआ है। आज़ादी के बाद लोग कहते हैं मदनपुरा के, आज तक इतना काम नहीं हुआ। आप आकर देखिए गोंडी के अंदर कितना काम हुआ है। पानी नहीं आता था वहाँ पर, हर घर में पानी आ रहा है। सड़कें नहीं थी, रिक्शा कभी अंदर जाता नहीं था, सबको बाहरी रिक्शा छोड़ जाता था, सारी सड़कें बन गई। वहाँ बैठी चाल में स्कूल थे, सब बड़े बड़े स्कूल 25-50 करोड़ रुपए के स्कूल बन गए। मैदान खेलने का बन गया वहाँ पर, कब्रिस्तान की नई जमीन आ गई वहाँ पर, बड़ा अस्पताल बन गया। तो अगर काम करने का आदमी का की मंशा है, ईमानदारी से काम करना है तो काम होता है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट से फंड इतना मिलता है कि काम अगर पैसा लगाया जाए तो ईमानदारी से काम हो सकता है। सर, उत्तर मुंबई और मलाड तालुके की बात करें तो एक जान फूकने वाली काम किया है 2 शख्स है, एक सिरिल डिसूजा और बबलू बाटा, उनके लिए क्या कहना चाहूंगा? जान फूकने काम किया तो जान आएगी इंशाल्लाह। मालूनी में किस तरह से जान आएगी? ये लोग लाए जान आपके पास समाजवादी पार्टी के नगर सेवक, ये लोग चुन के लाएंगे, मेहनत करेंगे हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। मैं बबलू बाटा जी के पास, जो कि समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं और इस वक्त बीएमसी चुनाव की तैयारी चली, तो सर आप बताएंगे हमारी जनता को कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आपके जो चैनल न्यूज है पास समाज की खबरें, उनकी तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हाशिम ने बड़ी जिम्मेदारी दिया मुझे, उसको मैं बखूबी अपने तरीके से निभाऊंगा उसको मैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई मलाड जो मालवनी का इलाका है, यहाँ पे कांग्रेस के अलावा कभी कोई दूसरी पार्टी नहीं आती, आपकी मेहनत किस तरह से रहेगी कि आप? देखिए, यूपी में जो हुआ आपको मालूम है कैसे क्या वहाँ पे हुआ है, और जो रही हमने जो फाउंडेशन से माध्यम जो काम किया है वो पब्लिक को बताएंगे, उसमें आपके बदलाव आएगा उसमें। इसके पहले आपका पॉलिटिकल करियर क्या रहा सर, आप किस तरह से पॉलिटिक्स को देखते हैं, आपका क्या नजरिया है? ठीक है, इससे पहले मैं समाजवादी पार्टी से 2017 में मेरी वाइफ लड़ चुकी है जी। और 5 साल मैं गायब था समाजवादी पार्टी से, बीच में वंचित बहुजन गाड़ी में गया मैं, वहाँ भी 1.5 साल था वहाँ पर। उसके बाद मैं MIM में गया, वहाँ भी 9 महीना था। अब वो 9 महीना में देखा मैंने कि जो MIM वाले लोग हैं एकदम कोई क्वालिटी नहीं उनमें, उनमें सिर्फ मुसलमानों को जज्बात में लाना, जज्बाती भाषण देना और वोटों का बंटवारा करना, बस यही है उनमें। उसको देखते हुए आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया? ताकि MIM में कुछ सिर्फ जज्बात में लाया जा रहा था और उसमें किसी को काम करने नहीं दे रहा है, इसका कोई उदाहरण देना चाहेंगे? आप 2014 में देखिए AB फॉर्म देके इकबाल पठान साहब को वापस ले लिया है, 2017 में देखिए नगर सेवक में क्या हुआ है, बैठ गए हैं, 2019 में देखो क्या हुआ है, बैठ गए MIM वाले। तो ये सब बिकने वाले लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले में वीडियो में आपको खुद बुलाऊंगा मैं, कि उन्होंने कहाँ कहाँ से पैसा लिया है और किसको उसको पैसा दिया है, मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा आपको मैं, और कौन कहाँ कहाँ दौड़ा दौड़ा के किसको मारा है और कौन कहाँ कहाँ के भागा है और कौन कहाँ कहाँ पिटा है, सब आने वाले वीडियो में बताऊँगा आपको मैं। मतलब इस तरह से मारपीट भी कैंडिडेट के साथ होती है? नहीं, खाली फोर शोल्डर जो है, जो बहुत से लोग मार खाए हैं, भागे हैं, मैं आपको आने वाले वीडियो में दूंगा आपको मैं। ओके सर, थैंक यू। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666-47-1110। धन्यवाद।